tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate. तो इट्स द फाइनल डे, डे थ्री ऑफ एक्लेक्टिका, और आज सुबह से बहुत सारी प्रोग्राम्स हो रही थी, कुछ मिनी इवेंट्स, बट मैं जा नहीं पाई, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था और मैं एडिट कर रही थी वीडियो। सो आई नो एक्लेक्टिका के हर लुक मेरी सेम, इवन एक्लेक्टिका नहीं, मेरी ज़िंदगी की ऑलमोस्ट सब लुक यही रहता है। तो शायद बहुत लोगों को लगता भी है कि क्या मैंने एक ही दिन में सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके फिर डालती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, हर दिन का अलग अलग से वीडियो किया, इसीलिए स्पेस नहीं बचे एकदम फ़ोन में। तो वही डे थ्री का सेम रास्ता, मैं पीछे वाले गेट से जाती हूँ, सामने वाला कभी दिखाऊंगी दूसरे वीडियोस में। तो जाने के बाद पहला इवेंट मैंने देखा जो कि था स्टैंड अप कॉमेडी, तो मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। पवन मेला पे एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया गलतियों पे ध्यान न दें। ऐसा नहीं लग रहा है तो शकल देखे, मतलब शकल में लिखा हुआ हम देखे कि बंदा हिंदी मीडियम से है, सही बात है नहीं? अच्छा, मेरी इंग्लिश ही आज कल हो रही है तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ मैं इसलिए नहीं आया हूँ, तबनी हो रही है, मैं घर में ये बोल के आया हूँ, मैं तबनी जा रहा हूँ। और यहाँ पे एक लगा हुआ था, ये क्या लिखा, इलेक्ट्रिका कुछ क्या है प्रोग्राम, इस जगह में मैं बोल ही नहीं पाऊंगा मैडम, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, रूबी किसी की क्रश रही है यहाँ पे? नहीं ना? अरे भाई साला लौंडों के मुंह में पानी आ गया। ओके, जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा सामने गई तो कोई एक जूनियर क्राउड से मुझे जाके बोला कि मैम आप लेट हो आज वीडियो करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो के चक्कर में बहुत सारे लोगों से जान पहचान बनी है, रील्स के चक्कर में स्पेशली। तो इसके बाद थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के बाद मैं चली गई कोड उत्सव रिकॉर्ड करने, जहाँ पर उनका फाइनल डे था, प्रेजेंटेशन चल रहा था, उनके लिए एक वीडियो बनानी थी। तो मैंने एक रील डाला है, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, और शायद इनका भी एक ब्लॉग निकालूंगी, आई डोंट नो, अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ। तो कोड उत्सव रिकॉर्ड किया बहुत टाइम तक। इसके बाद मेरे कुछ दोस्त आए थे तो उनके साथ मिली, और उनके साथ ही नेक्स्ट इवेंट जो कि है क्लैश ऑफ कोडियोज देखने चली गई योगा हॉल में। तो क्लैश ऑफ कोडियोज बहुत टाइम देखने के बाद मैं निकल गई बिरयानी खाने मेरे दोस्त लोगों के साथ, जिनको कैमरा में एकदम नहीं आना है, और इसके बाद डायरेक्टली ईडीएम नाइट। कॉलेज का शायद ये आखिरी ईडीएम नाइट है, इसके बाद नहीं है शायद कोई इवेंट, तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा नाचना है बहुत। तुम लोगों का तो मिड सेम भी है ना? पहले यहाँ पे नाचो फिर उधर जाके नाचो। दो डीजे आए थे तो पहले वाले में क्राउड थोड़ा सा ठंडा ठंडा था, लाइक क्राउड एक तो आधा क्राउड बाहरी थे शायद, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था, वो फील नहीं आया था, पर उसके बाद स्टार्ट हुआ पागल डांस, लाइक बहुत ज़्यादा।
मेरे दो महान दोस्त जो लोग बहुत लेट आए थे और इनको वीडियो में नहीं आना। तो मेरी फर्स्ट और लास्ट इक्लेक्टिका यहीं पे ख़त्म हो रही है। थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। बाय बाय।